वेलकम टू स्टार्ट साइंस क्लासेस। तो आज हम आपको बताने वाले हैं वैश्वीकरण के बारे में, निजीकरण के बारे में, उदारीकरण के बारे में, जिसमें कुछ और आपको मैंने राष्ट्रीय निर्माण उद्योग की पूरे पॉइंट हमारे ख़त्म होते, कुछ तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे आप याद कर लेंगे। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान क्या, हमारा टॉपिक है दोस्तों राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान क्या है। तो पिछले 2 दशकों में सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का 17% योगदान है। कितना योगदान है दोस्तों? 17% योगदान है उद्योगों का, 17% योगदान है विनिर्माण उद्योगों का, 17% योगदान है। पिछले 2 दशक में घरेलू उत्पादों में विनिर्माण का कितना योगदान है? तो 17% योगदान है। फिर दोस्तों 2008 से 2010 में विनिर्माण जो है विकास में 9 से 10% प्रतिवर्ष, क्या है दोस्तों? प्रतिवर्ष इसमें विकास होता है। 2008 से 2009 में आपका विकास जो है कितना हुआ था? 9 से 10% प्रतिवर्ष हुआ था। अब दोस्तों पॉइंट है वैश्वीकरण, ये आप VBI लगा लीजिए दोस्तों, VBI, ठीक है ना, ये पेपर में पूछता है वैश्वीकरण। तो प्रत्येक देश में अन्य देशों के साथ, प्रत्येक देश में अन्य देशों के साथ किसी प्रतिबंध के पूंजी और तकनीक और व्यापारिक आदान प्रदान को ही क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। मतलब प्रत्येक देश में किसी अन्य देशों के साथ किसी प्रतिबंध के, मतलब बिना रुकावट के, किसी प्रतिबंध के पूंजी एवं पूंजी तकनीक और व्यापारिक आदान प्रदान को वैश्वीकरण कहा जाता है, ठीक है। यानी कि आप इससे डायरेक्ट ये समझते हैं कि एक देश से दूसरे देश में बिना प्रतिबंध का पूंजी का, तकनीक का और व्यापारिक आदान प्रदान करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? वैश्वीकरण कहा जाता है। और दोस्तों निजीकरण, निजीकरण मतलब दोस्तों प्राइवेटाइजेशन। तो दोस्तों देश में सरकारी उद्योगों को प्राइवेट कंपनियों को सौंपना निजीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? निजीकरण कहलाता है। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे आप भारत का आप जैसे में भी लिख सकते हैं कि भारत की बहुत सारी कंपनियों को मतलब सरकारी कंपनियों को प्राइवेट कंपनियों के हाथों में सौंप दिया गया। जैसे आप मैक्सिम रेल के भाग ले लीजिए, ये प्राइवेट हो गया है, ठीक है। फिर दोस्तों उदारीकरण, तो दोस्तों है क्या? उद्योग और व्यापार में ढील दी जाती है जिससे आर्थिक विकास होता है तो उसे उदारीकरण कहते हैं। उद्योग और व्यापार में थोड़ा देर को क्या ढील दे दी जाती है जिससे आर्थिक क्या होता है? विकास होता है तो उदारीकरण कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।